Good morning, students. Welcome back to social science class. Dear student, in this video, we will continue the same chapter, chapter number 19, the state governments. In our previous video, we have read about the uh, state legislature and the different functions and the different list given to the uh, uh central state governments and third list is also uh, uh, red concurrent list in our previous video. So now in this video we will uh, forward the topics. The next topic is legislative councils. Legislative councils means Vidhan Parishad. This is a permanent house and which cannot be डिस द टर्म ऑफ इट्स मेंबर ऑफ सिक्स ईयर्स नोट डाउन करेंगे लेसलेटिव काउंसिल जिन स्टेट्स के अंदर फाइव स्टेट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी जिसमें हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका इन स्टेट्स के अंदर टू हाउसेस हैं और जिन स्टेट्स के अंदर टू हाउसेस हैं सेकंड हाउस को विधान परिषद कहते हैं और ये कभी भी डिसोल्व नहीं होती और ये एक परमानेंट हाउस होता है और इसके जो मेंबर्स हैं सिक्स इयर्स का इनका टाइम पीरियड रहता है और वन थर्ड जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर दो साल के बाद आफ्टर एवरी टू इयर्स वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड दे आर रिप्लेस बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स फिर उनकी जगह पर नए मेंबर जो हैं आ जाते हैं विधान परिषद इलेक्ट इट्स चेयरपर्सन्स डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। विधान परिषद का जो एक चेयरपर्सन uh, होता है ठीक है एक डिप्टी चेयरपर्सन होता है और वो विधान परिषद के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्टिव काउंसिल इज़ फोर्टी ठीक है कम से कम फोर्टी मेंबर्स होने चाहिए काउंसिल्स के अंदर इट कैन नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट टाइम तो असेंबली में जो भी टोटल मेम्बर्स हैं असेंबली के अंदर उसका कितना परसेंट होना चाहिए वन थर्ड ठीक है तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है, state हैं स्टेट के अंदर उसका वन थर्ड काउंट करते हैं मान लो हरियाणा में टू uh, हाउसेज़ नहीं है हमारी स्टेट हरियाणा है तो हरियाणा के अंदर टू हाउसेज़ नहीं है सिंगल हाउस है मान लो कि टू हाउसेज़ होते तो यहाँ नाइन्टी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं सीट्स हैं और उसको वन थर्ड कर सकते हैं हम ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी थर्टी सीट्स तो अगर हमें सेकंड हाउस बनाना होगा तो उसमें थर्टी सीट्स आती हैं और यहाँ पर एक कंडीशन बताई हुई है कि लेजिसटिव काउंसिल की सीट्स कितनी होनी चाहिए मिनिमम फोर्टी तो इसलिए हरियाणा के अंदर क्या है सेकेंड हाउस नहीं है द मिनिम एज टू बी दम्बर ऑफ दिस काउंसिल इज थर्टी ईयर्स तो थर्टी ईयर्स तक एज होनी चाहिए अगर विधान परिषद का कोई मेम्बर बनना चाहता है नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्चर्स स्टेट लेजिस्चर्स क्या काम करती है स्टेट के लिए फर्स्ट देखो क्या फंक्शंस uh, हैं इसके इट मेक्स लॉस ये स्टेट के लिए क्या बनाती है कानून बनाती है ऑन द सब्जेक्ट्स मैंशन इन द स्टेट लिस्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट मैंशन किए गए हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर ये कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट इट द दिनुअल बजट ऑफ द स्टेट सेकेंड फंक्शन क्या है अपनी स्टेट के लिए ये सालाना बजट बजट क्या होता है जो भी इनकम है एक्सपेंडिचर है उसका जो हिसाब किताब है उसको मैनेज करना ये बजट ही कहलाता है तो बजट बनाती है अपने स्टेट के लिए इट की थर्ड फंक्शन क्या है चेक ऑन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के जो काम है जो भी वो फंक्शंस करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं उनके ऊपर उनको चेक करती रहती है द मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली तो मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किए जाते हैं वैन ए बिल इज़ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर जब बिल पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तो इसको कहाँ भेजा जाता, जाता है इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर कॉन्सेंट कॉन्सेंट क्या होता है सहमति देना अप्रूवल देना तो गवर्नर के पास इसको कंसेंट के लिए भेज दिया जाता है द इलेक्टेड मैंबर ऑफ लेजिटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद द इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट अब जो स्टेट लेजिस्टर्स के मेंबर हैं जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो क्या करते हैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया के तब वो उसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट्स करते हैं ये भी इनका एक फंक्शन हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नर स्टेट के अंदर जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है गवर्नर और ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो गवर्नर्स के क्या फंक्शंस और क्या पावर हैं लेट्स सी द गवर्नर्स दैट इज़ राज्यपाल गवर्नर को क्या बोलते हैं राज्यपाल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के लिए इलेक्शन होता है और फाइव uh, ईयर्स के लिए इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेजिडेंट नॉर्मली द गवर्नर्स डज नॉट बिलोंग टू देट यह कोई जरूरी नहीं होता कि उसी स्टेट का ही कोई पर्सन गवर्नर बन जाए वेयर ही इज अपॉइंटेड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर स्टेट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो गवर्नर के नाम से होते हैं वेअर एज द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो गवर्नर के नाम पर यानी कि गवर्नर जो है अप्रूवल करता है किसी काम के लिए तब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी पावर को यूज़ करके स्टेट के फंक्शंस करती है यानी कि गवर्नर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी सारी जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं यूज़ करते हैं लाइक द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर जैसे प्रेजिडेंट सेंटर के अंदर जो भी पावर्स प्रेजिडेंट की हैं वैसे ही स्टेट के अंदर गवर्नर की होती हैं गवर्नर आल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नर जो है बहुत सारे जो कार्य हैं वो चीफ मिनिस्टर की सलाह से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन से करता है नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द गवर्नर गवर्नर के पास क्या शक्तियाँ हैं द गवर्नर अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मजोरिटी पार्टी और द कोलिशंस एज द चीफ मिनिस्टर कोलिशंस क्या होता है अलाइंसिज अलाइंसिस अब क्या होता है गठबंधन किसी के साथ फ्रेंडशिप करना रिलेशन में आना या किसी को अपने साथ मिला लेना तो गवर्नर अपॉइंट करता है मजोरिटी पार्टी से या कोलिशन वाली पार्टी से चीफ मिनिस्टर यानी स्टेट के अंदर जो न, फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा की नाइन्टी सीट्स हैं तो नाइन्टी सीट्स में जिस पार्टी को मेजोरटी मिलती है मेजोरिटी क्या होती है बहुमत जिसकी ज़्यादा सीटें आती हैं जीत कर इलेक्शन जीत कर तो उस पार्टी को जब मेजोरिटी मिल जाती है तो वो पार्टी ही सुजेस्ट करती है अपने में से एक चीफ मिनिस्टर उस चीफ मिनिस्टर का जिसका नाम पार्टी देती है गवर्नर उसको अपॉइंट कर देता है एज अ चीफ मिनिस्टर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज़ आल्सो अपॉइंटेड बाई हिम फिर उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो जाता है अपॉइंटमेंट हो जाती है तब चीफ मिनिस्टर एक लिस्ट बनाता है अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की और ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर फिर जो गवर्नर है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को जो चीफ मिनिस्टर की रिकमेंड से यानी कि जो लिस्ट उसने बनाई है उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करता है ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो वो गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट uh, करता है ही कैन एड्रेस समन और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असम्बली गवर्नर सभा बुला सकता है असेंबली की यानी कि जो विधान सभा है उसकी मीटिंग्स को एड्रेस करता है समन बुलाना है और डिसॉल्व यानी उसको भंग भी कर सकता है एवरी बिल विच द स्टेट लजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर सबसे बड़ी पावर क्या है स्टेट लेजिस्टिव असेंबली कोई भी बिल पास करता है तो वो कानून तभी बनता है जब गवर्नर अपनी कॉन्सेंट दे देता है यानी कि गवर्नर जब उस पर साइन कर देता है उसको अप्रूव कर देता है तब कोई भी बिल क्या बन जाता है लॉ लाइक द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर कैन आल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस वैन द स्टेट लेजिस्टर इज नॉट इन सेशन तो एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या होता है जब सेशन नहीं होता क्योंकि हर साल टू मीटिंग्स होती होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर की हो या लोकसभा की तो दो मीटिंग साल में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं तो जब सेशन नहीं है और मीटिंग बुलानी है तब प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस इशू करता है गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट ये भी पावर्स है गवर्नर के पास गवर्नर जो है किसी की भी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है उसको माफ़ कर सकता है पार्लिया क्या आता है माफ़ करना अवार्डी टू अ क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल अकॉर्डिंग टू स्टेट रूल अगर कोई अपराधी है वो गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है और उसकी सज़ा को माफ भी कर सकता है गवर्नर आसो है सम डिस्क्रप्शनरी पावर्स डिस्क्रिशनरी होती हैं विवेकशील शक्तियाँ यानी कि वो अपने समझ के अकॉर्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी पावर्स को यूज़ कर सकता है डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं उसके पास विच ही शी कैन एक्सरसाइज ऑन हिज और हर ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स जिनको वो यूज़ कर सकता है बिना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के फॉर एग्ज़ाम्पल द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेजिडेंट रूल इन अ स्टेट जैसे एग्जांपल है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा करवाना है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही और गवर्नर को ऐसा लगता है तब वो डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट रूल स्टेट के अंदर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडेमान निकोबार दिल्ली पुदुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तो यूनियन जो टेरिटरीज़ हैं उनमें हमेशा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली दमन दीव लक्षद्वीप हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स तो ये सब जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनता वहाँ पर गवर्नर ही हेड होता है और वही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यूनियन टेरेटरी के अंदर करता है डू यू नो में देखें सी राजगोपालाचारी सी मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फोर ट्वेंटी मंथ्स देश आज़ाद होने के बाद एज ए गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ट्वेंटी मंथ्स के लिए उन्होंने काम किया आफ्टर हीम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिस्ड फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो है अबॉलिश कर दिया गया गवर्नर जनरल का पद और रिप्लेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नर जनरल के नाम की बजाय देश के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होने लगा और नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल की जगह पर क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश जो रूल के टाइम जो थे गवर्नर जनरल बनते थे तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो ट्वेंटी मंथ्स तक यानी कि लगभग टू इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं देश के अंदर तो पहली लोकसभा का इलेक्शन 1950 में हुआ तो उसके बाद देखो गवर्नर जनरल की जगह पर जो इलेक्शन हुआ वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ बेटा देश के अंदर नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स लास्ट टॉपिक है कि जो राज्य का हेड होता है रियल हेड चीफ मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं क्या उनके पास पावर्स होती हैं चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ठीक है क्योंकि वो क्या होता है रियल हेड। ही इन्जॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं एग्जीक्यूट क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है चीफ मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो जो रियल हेड है वो चीफ मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर्स अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करती हैं ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो एक लिंक के फॉर्म में एक्ट जो है काम करता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या काम करते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस पहला है एडमिनिस्टर्स और मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट स्टेट के अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं एग्जीक्यूट लागू करते हैं जो भी कानून असेंबली बनाती है उन कानूनों को स्टेट के अंदर लागू करवाया जाता है डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असम्बली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़ पॉलिसीज़ का जो निर्माण है पॉलिसीज बनाती हैं स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए जो भी नियम नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको लागू करते हैं गिव एडवाइस टू दवर्नर गवर्नर गवर्नर को परामर्श भी देते हैं अपना सलाह भी देते हैं मेक सलाह विद दी हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट स्टेट लैजिसलेचर जो कानून है जो स्टेट लिस्ट के अंदर सिक्सटी सिक्स और कनकरंट के अंदर फोर्टी सेवन सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर ये कानून काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती हैं देर आर सिक्स हंड्रेड टेन डिस्ट्रिक्स इन इंडिया विच आर एडमिनिस्टर्ड बाई दियर रिस्पेक्टिव स्टेट्स यूटी गट्स तो लगभग देश के अंदर कितने डिस्ट्रिक्स हैं 600 हंड्रेड डिस्ट्रिक्स हैं और ये सब रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर जिस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक हैं यू हैं वो आ, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको या यूटी गवर्नमेंट जो है उनको रन करती है नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज तो यहाँ पर देखो सेवन यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं ठीक है इसमें और ऐड कर देंगे अंडेमान निकोबार आइलैंड है लक्षद्वीप है पुदुचेरी दादर नगर हवेली दमन और दीव ये दोनों क्या हो गई हैं एक हो गई हैं चंडीगढ़ और दिल्ली और हम साथ में करेंगे यहाँ पर सिक्स रह गई ये एक हो गई ना सेवन में से वन गए सिक्स तो सेवन नंबर पर आ जाएगी जम्मू और एट नंबर पर लद्दाख तो टोटल यूनियन टेरिटरीज़ हमारे पास एट हैं सच एरियाज़ आर स्मॉल इन साइज़ एंड पापुलेशन अब यूनियन टेरिटरीज़ की फॉर्मेशन कैसे होती हैं जहाँ भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका एरिया जो है जो साइज़ है स्मॉल है पापुलेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली दिल्ली की पापुलेशन को छोड़कर बाकी जितनी भी यूनियन टेरीटरीज़ हैं उनमें पापुलेशन भी कम है और उनका एरिया भी कम है द कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एन सी टी दिल्ली पूरे देश की क्या है कैपिटल है और इसको क्या बोला जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली टेरिटरी भी है और देश की कैपिटल भी है इसलिए इसको एन सी टी दिल्ली बोला जाता है इट इंजॉयज़ अ स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज़ और देश की कैपिटल होने के साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी है इसलिए इसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है बाकी यूनियन टेरिटरी से वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरीज़ में जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर होता है बट दिल्ली जो है एक्सेप्शन है वहाँ पर क्या है चीफ मिनिस्टर भी है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं गवर्नर भी हैं दिल्ली हैज एन इलेक्टेड असेंबली काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे स्टेट का फंक्शन होता है ऐसे ही जो है यहाँ पर दिल्ली का है फंक्शन द प्रेजिडेंट मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एड जॉइनिंग यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जो हेड हैं या गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करता है नेक्स्ट फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन क्योंकि फेडरल फॉर्म बनाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सबसे ऊपर क्या हो गया सेंट्रल गमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के है पूरे कंट्री के लिए फॉर द होल नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स कर, काम करती है फॉर द स्टेट्स और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी कुछ पावर्स दे दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ठीक है डिस्ट्रिक्स में बांट रखा है और डिस्ट्रिक्ट से नीचे क्या आ लेवल आ जाता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड कौन करता है पंचायत ओके बेटा लेसन इज़ ओवर गुड बाय